ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच मेलबर्न के मैदान में बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें कि ये मुकाबला इस सीरीज का दूसरा मुकाबला है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में सबसे ज्यादा चर्चित बल्लेबाज डेविड वार्नर रहे, जिन्होंने 1089 दिनों के बाद अपने टेस्ट शतक को अंजाम देते हुए शतकों का सूखा खत्म कर लिया है। इतना ही नहीं बल्कि डेविड वार्नर ने इस टेस्ट के दूसरे दिन दोहरा शतक लगाकर एक बड़ा कीर्तिमान भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें डेविड वार्नर अपने टेस्ट करियर का 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं और डेविड वार्नर ने अपने 100वें टेस्ट पर दोहरा शतक जड़ दिया है। इसी के साथ डेविड वार्नर क्रिकेट इतिहास के ऐसे दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक जड़ा है। उनसे पहले ये कारनामा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट कर चुके हैं, लेकिन ऐसा करने वाले डेविड वार्नर पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भी बन गए हैं। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 5वें कंगारू खिलाड़ी भी बने हैं। आपको बता दें कि डेविड वार्नर ने 254 गेंदों का सामना करते हुए 200 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 2 छक्के लगाए। लेकिन सबसे मजेदार बात ये रही, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से डेविड वार्नर को मैदान छोड़कर जाना पड़ा। डेविड वार्नर आउट नहीं बल्कि रिटायर्ड हर्ट हुए हैं। आपको बता दें कि डेविड वार्नर दोहरा शतक लगाने के बाद सेलिब्रेट करने लगे, जिसके बाद उनके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया और बल्लेबाज को मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा। डेविड वार्नर आउट नहीं हुए हैं और वो जल्द ही मैदान में वापसी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मैदान में वापसी नहीं कर पाते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। डेविड वार्नर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है वो ये बताता है कि बल्लेबाज में अभी भी क्षमता बची हुई है कि वो आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के लिए और शतकीय पारी खेल सकते हैं। मुकाबले की बात करें तो इस टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 189 रनों पर ऑल आउट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम मात्र 3 विकेट गवाकर 350 से ज़्यादा रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को उस मुकाबले में पीछे कर चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।